वेलकम बैक टू द बीआर स्टॉपर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में बीए फिफ्थ सेमेस्टर में यूनिट वन में आपका एंग्लो अमेरिका रीजन गिवन है। इसकी सीरीज में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी। फाइन, तो सबसे पहले ये मैप देखिए, वर्ल्ड का मैप है। इसमें आपको ग्रीन कलर का ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। लेकिन ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने पढ़ना है एंग्लो अमेरिका। ठीक है, तो एंग्लो अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंस है। पढ़ना हमें यही रीजन है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि सारा नॉर्थ अमेरिका हमें नहीं पढ़ना, इसका कुछ पार्ट एंग्लो अमेरिका कहलाता है। वो कौन सा पार्ट है वो समझते हैं। देखो, नॉर्थ अमेरिका का वो मेजर पार्ट जिसमें एक तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कैनेडा और दूसरी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आती है यूएसए, इन दोनों कंट्रीज को मिला के जो रीजन बनता है, दिस इज कॉल्ड एंग्लो अमेरिका। ठीक है, तो ये सेंट्रल अमेरिका और ग्रीनलैंड वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका से निकाल दीजिए, बचा हुआ जो पोर्शन है हमारे पास कैनेडा और यूएसए को मिला के हमारा बन गया एंग्लो अमेरिका। लेकिन इन्हीं दोनों कंट्रीज को एंग्लो अमेरिका क्यों कहते हैं और एंग्लो का लिटरल मीनिंग क्या है, ये हमें समझना है। और एंग्लो अमेरिका की कहानी को समझने के लिए हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, इस मैप में देखो, पुराने टाइम पे जब ट्रेड होता था ना यूरोपियन कंट्रीज का एशिया के साथ में और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, तो इसके ना दो रूट्स थे। एक रूट तो ये था जो कि लैंड रूट है। ये जो लैंड रूट है, ये चाइना से होते हुए इंडिया से पास होते हुए इस तरह से यूरोप जाता था। इसका नाम था ओल्ड सिल्क रूट। ये ओल्ड सिल्क रूट था। दूसरा रूट था बाय वाटर। ठीक है, तो ये सी रूट जो था, पार्शली सी और पार्शली लैंड रूट था। यहाँ से ये अरेबियन सी से होते हुए फिर रेड सी के बाद इजिप्ट में उतरते थे जो सेलर्स आया करते थे, फिर वो यहाँ से मेडिटेरेनियन सी और फिर इटली। यहाँ से जो ट्रेड होता था ना, तो अब 1453 में यहाँ पे एक सिटी है कॉन्स्टेंटिनोपल। इस कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था ऑटोमन तुर्क्स ने 1453 में। तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, इसको एक्सपेंड करने लगे। तो ये जो रीजन था, ये काफ़ी डेंजरस हो गया था ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। तो अब लड़ाइयों के बीच में से फिर ट्रेडर्स को इजी नहीं रहा कि यहाँ पे ट्रेड करना, बिकॉज ये जो रीजन था, ये कॉन्टीन्यूसली वॉर वाला रीजन था। तो यहाँ से ट्रेड बंद हो गया था बिकॉज ऑटोमन तुर्क्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। फिर दूसरा जो रूट था बाय सी रूट, ये जो पार्शली सी पार्शली लैंड रूट था, यहाँ से भी फिर रेड सी में से इजिप्ट में उतरते थे। तो कुछ इजिप्ट का यहाँ पे अरब्स का जो था वो डोमिनेशन हो गया, फिर मेडिटेरेनियन सी में दोबारा गए सेलर्स और इटली में उतरा करते थे। यहाँ से फिर इटली ने भी इसको मोनोपलाइज कर लिया कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो इटली करेगा। तो कॉर्नर पे जो ये नेशंस है ना, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली पोर्चुगल और स्पेन, इनको फिर एक नया रास्ता चाहिए था ट्रेड करने के लिए, बिकॉज इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आई थी, बिकॉज ये डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे इंडिया के साथ, एशिया की दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। स्पेशली ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, यहाँ ये स्पाइसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न हुआ करता था। तो ट्रेड करने के लिए इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से ये रास्ता ढूंढना चाह रहे थे कि कोई और हमें रास्ता चाहिए इंडिया के साथ और दूसरी एशिया की कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बिकॉज या तो जो ट्रेड रूट्स थे वो तुर्क्स के कैप्चर में थे या अरब्स और इटालियंस के कैप्चर में थे। ठीक है, सो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रेड करना इसलिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, जिस वजह से फिर क्रिस्टोफर कोलम्बस 1492 में निकले थे। वो निकले थे इंडिया को ढूंढने के लिए, इंडिया का रास्ता उनको ढूंढना था। लेकिन उनसे मिस्टेक क्या हो गई, जब वो यहाँ से निकले स्पेन से, तो उनको घूम के इस तरह से जाना था अफ्रीका पूरा, ऐसे क्रॉस करके घूम के इंडिया वो आ जाते, लेकिन वो वेस्टवर्ड सेल कर गए और वेस्टवर्ड सेल करने के कारण वो उतरे अमेरिका में। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी। सेंटा मैरिया अपनी शिप में क्रिस्टोफर कोलम्बस गए थे 1492 में और उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया है, क्योंकि वो इंडिया को ढूंढने निकले थे। तो उन्होंने सोचा कि ये इंडिया उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। और जब वो यहाँ पे उतरे थे अमेरिका में, तो यहाँ उनको ट्राइबल पीपल मिले थे और इन ट्राइबल पीपल को उन्होंने इंडियंस नेम दिया था, रेड इंडियंस के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है,
फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अमेरिको वेस्पुची एक स्कॉलर हुए जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि कोलंबस ने जो एक लैंड फाइंड आउट किया था वो इंडिया नहीं है बल्कि इट इज सम अदर कॉन्टिनेंट, ये कोई और नया कॉन्टिनेंट है जो कोलंबस ने फाइंड आउट किया था, इट इज नॉट इंडिया। ये बात उन्होंने रिकॉग्नाइज की थी और इसको उन्होंने न्यू वर्ल्ड नाम दिया। ठीक है, तो न्यू वर्ल्ड अमेरिको वेस्पुची ने इनको इसको कहा था, अमेरिका को। अब तक इसका नाम नहीं रखा गया था अमेरिका। ठीक है, फिर मार्टिन वाल्सी मूलर हुए, ये भी एक स्कॉलर थे, जर्मन कार्टोग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये पूरा अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इसको मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। और क्योंकि इस बात का पता अमेरिको वेस्पुची ने लगाया था कि ये एक नया कॉन्टिनेंट है, तो उन्हीं के ऑनर में इस कॉन्टिनेंट का नाम मार्टिन वाल्सी मूलर ने रख दिया अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम अमेरिका रखा गया। अब हमें समझना है कि ये एंग्लो वर्ड कहाँ से आया। देखो, जब अमेरिका फाइंड आउट कर ही लिया था यूरोपियंस ने, तो यहाँ पे भी ट्राइबल पीपल मिले उनको। देखो, सबसे पहले तो यहाँ आके उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे ना और भी यूरोपियंस आए। जब इन यहाँ का रास्ता मिल गया, इसका एक मैप बन गया, तो पहले तो स्पेन से आए थे, फिर इधर जर्मनी से, फिर ब्रिटिशर्स आए, स्पेनिश आए। ठीक है, तो इस तरह से और भी यूरोपियन कंट्रीज से लोग आए और उन्होंने यहाँ पे कॉलोनीज इस्टेब्लिश की। तो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन अमेरिका का भी हुआ था, फिर बाद में उन्होंने भी हमारी तरह ही फ्रीडम स्ट्रगल अपना किया और फिर अमेरिका भी ऐसे ही आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे भी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का एक टाइम आया था। और यूएस और कैनेडा दोनों ही कंट्रीज जो हैं ये यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, या कह सकते हैं कि इनको भी, इनके ऊपर कॉलोनियलिज्म यूरोपियन कंट्रीज ने इस्टेब्लिश किया था, इनके ऊपर रूल किया था। ठीक है, तो रूल करने का नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पे ना नॉर्थ अमेरिका का जो ये कॉन्टिनेंट है, मेनली इन दो कंट्रीज़ में, यूएसए और कनाडा में, हमें ब्रिटिश इम्प्रिंट मिलता है इनके कल्चर में। इनकी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आप ये जो नेटिव अमेरिकन थे ना, ये ट्राइबल पीपल हैं। आज के अमेरिकन इस तरह के नहीं हैं, आज के जो अमेरिकन हैं वो ब्रिटिश से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और एंग्लो का जो मतलब होता है वो लिटरल मीनिंग इसका ब्रिटिश से रिलेटेड होता है। ठीक है, इंग्लिश या ब्रिटिशर्स से जो रिलेटेड है तो उनसे मिलते जुलते क्योंकि ये हैं, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट हमें इनके कल्चर पे, इनकी लैंग्वेज पे, इनके लाइफस्टाइल पे हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका के लोगों के ऊपर, इसीलिए इन दो कंट्रीज़ को एंग्लो अमेरिका नाम दिया गया। ठीक है, तो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के कारण अमेरिका के ऊपर, यूएसए और कैनेडा के ऊपर मेनली जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक कह सकते हैं गहरी छाप छोड़ी है, जिस वजह से ब्रिटिशर्स से काफ़ी मिलता जुलता इनका कल्चर हो गया। और जो जिस रीजन में मेनली यूएस और कनाडा में हमें ब्रिटिशर्स से सिमिलर कल्चर मिलता है, इसीलिए इन दोनों कंट्रीज़ को एंग्लो अमेरिका रीजन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका का ये इतना रीजन एंग्लो अमेरिका है, इसमें से हमने मैक्सिको वाला निकाल दिया और ग्रीनलैंड निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसकी अब हम लोकेशन समझेंगे। यहाँ से इक्वेटर है एंड दिस इज प्राइम मेरिडियन। अब इक्वेटर से ये रीजन नॉर्थ में है तो हम कह सकते हैं कि एंग्लो अमेरिका एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और दूसरा प्राइम मेरिडियन से ये वेस्टर्न साइड पे है कम्प्लीटली, ये किसी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, तो कम्प्लीटली वेस्टर्न साइड में है और कम्प्लीटली नॉर्दर्न साइड पे है। तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एंग्लो अमेरिका की लोकेशन है। और जोन वाइज अगर देखें तो टेम्परेट जोन में लाई करता है। ठीक है, रफली अगर हम मान लें कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इसके बीच का जो रीजन है वो टॉरिड जोन हो गया या ट्रॉपिकल जोन। ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फ्रिजिड जोन तक का, जो आर्कटिक सर्कल तक का जो रीजन है, ये हो गया टेम्परेट जोन, और यहीं पर इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो जोन वाइज टेम्परेट जोन में और हेमिस्फेरिकली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं इसके आसपास में वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो सबसे नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, देन वेस्टर्न साइड पे है पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन से सराउंडेड है, और साउथ में है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैक्सिको कंट्री है और वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इस तरफ यहाँ पे एक हडसन बे है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हडसन बे, ये वाटर बॉडीज हैं जिनसे एंग्लो अमेरिका सराउंडेड है और एक कंट्री से सराउंडेड है जिसका नाम है मैक्सिको। क्लियर, तो ये हो गई इसकी रिलेटिव लोकेशन। अब देखते हैं इसकी एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है। एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन में क्या फ़र्क है।
देखो एब्सोल्यूट लोकेशन जो होती है वो हम नंबर्स के जो ग्रेटिकुअल एक्सटेंट होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, और रिलेटिव लोकेशन जो होती है उसमें हम बताएंगे कि आसपास में क्या चीज़ है, एक रफ आइडिया जिससे हमें लोकेशन का लगता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर में टेम्परेट जोन में है, ये एक ब्रॉड लोकेशन हो गई, और आसपास में क्या चीज़ें हैं ये होगी हमारी रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट टर्म में जब हम देखेंगे क्या लोकेशन है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट लोकेशन। ग्रेटिट्यूड वाइज या लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें इसमें देखने हैं, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में यहाँ से शुरू करो, देखो इस तरफ ये हो गया हमारा 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये है इस तरफ, ये इसका एक्सटेंट है सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट है, दिस इज 87 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो 25 मिनट नॉर्थ से 87 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है यहाँ से 52 डिग्री वेस्ट का ये लॉन्गिट्यूड है, ये वाली लाइन जो है इसको हम कहेंगे 52 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे दिस इज 168 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 25 डिग्री नॉर्थ से 87 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ। यहाँ ये जो लैटिट्यूड लाइंस है ना वो इस तरह से देखी जाती हैं, तो इतनी लाइंस ये बीच में आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो ये है, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इस तरह वर्टिकल लाइंस हैं, तो 52 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन है उससे लेके 168 डिग्री वेस्ट वाली जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, क्लियर। नेक्स्ट देखो शेप इसकी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल टाइप की इसकी शेप है, और टोटल सरफेस एरिया इसका है 19.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दोनों कंट्रीज का मिला के। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 49th पैरेलल का, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। देखो कैनेडा और यूएसए इन दोनों कंट्रीज को जो एक लाइन सेपरेट कर रही है ना, ये 49th लैटिट्यूड की लाइन है, पैरेलल लैटिट्यूड्स के होते हैं, तो 49th जो 49 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये वाली लाइन कनाडा और यूएस को सेपरेट कर रही है, इनके बीच में एक बाउंड्री बना रही है रफली, ठीक है। यहाँ तक तो काफ़ी पैरेलल है, यहाँ पे आके इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है, ठीक है, लेकिन इस लाइन को 49th पैरेलल नाम दिया जाता है बिकॉज ये इसके काफ़ी पैरेलल रन कर रही है, 49 डिग्री नॉर्थ की लाइन है जो कि बाउंड्री फॉर्म कर रही है यूएसए और कनाडा के बीच में, लैटिट्यूड की लाइन है इसलिए इसका नाम 49th पैरेलल है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि कनाडा जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और यूएसए वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब इनका काफ़ी वास्ट एरिया है दोनों ही कंट्रीज़ का, तो एंग्लो अमेरिका का काफ़ी वास्ट एरिया है, और इसीलिए ये जो इतना वास्ट एरिया है और इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी कितना ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूड वाइज जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इनके जो टाइम जोन है ना वो ज़्यादा हैं, जैसे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है, लेकिन कनाडा और यूएसए दोनों में ही 6-6 टाइम जोन फॉलो होते हैं, ये इनके नाम भी यहाँ पे गिवन है, ये पैसिफिक टाइम जोन, ये जो ये वाला जो रीजन है ये पैसिफिक टाइम जोन, फिर ये ग्रीन वाला माउंटेन टाइम जोन, येलो वाला सेंट्रल टाइम जोन, देन ईस्टर्न टाइम जोन, अटलांटिक टाइम जोन एंड न्यूफाउंडलैंड टाइम जोन, तो 6 ये टाइम जोन है कनाडा में, एंड सिमिलरली यूएसए में भी 6 टाइम जोन्स हैं, फर्स्ट है पैसिफिक टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन, फिर सेंट्रल, ईस्टर्न, अलास्का और हवाइन टाइम जोन, ठीक है। तो ये 6 टाइम जोन है यूएसए के, फाइन। नाउ सी दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ कनाडा, कनाडा का ये फ्लैग है और ये कनाडा का मैप है जिसमें 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। अब देखो इंडिया में क्या होता है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, सिमिलरली कनाडा में 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज हैं। टेरिटरीज कौन सी हैं, ये यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी और न्यूनावेट, ये 3 हैं कनाडा की टेरिटरीज, और बाकी जो बचे 10 हैं ये हैं प्रोविंसेस, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्केचवान, मैनिटोबा, ओंटेरियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोटिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इसके अलावा ये है न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, ये इकट्ठा है। तो ये 10 प्रोविंसेस हैं कनाडा में, और इसकी जो कैपिटल है वो है ओटावा, इसकी लोकेशन थोड़ा ध्यान से देख लो, ये ओटावा है यहाँ पे, ठीक है, ओंटेरियो में ओटावा, दिस इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, गेटिंग।
अब ये यूएसए का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, इसका ये फ्लैग है, फ्लैग्स भी मैंने साथ में लगाए हैं। देखो ये फ्लैग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स के नाम आप पढ़ सकते हो, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स यूएसए में हैं। ज़्यादा डिटेल में वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपके बीए के सिलेबस में। हाँ, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर नाम आ जाए कहीं पढ़ते हुए विस्कॉन्सिन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूएसए की स्टेट है। ठीक है, इतना आपको अगर आपको पता है तो दैट इज़ इनफ। ये अलास्का और ये हवाई, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। यहाँ पे इस मैप में इधर है, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। इस मैप में देखो, यहाँ पे ये यूएसए है, दिस इज यूएसए। ये वाइट कलर का जो पोर्शन है ना, ये यूएसए है, और ये भी यूएसए है। ठीक है, तो ये हो गया अलास्का, ये कनाडा है बीच में, लेकिन ये जो वाइट पोर्शन अलास्का है ना, ये यूएसए का पार्ट है, कनाडा का पार्ट नहीं है। बेशक ये यूएसए की टेरिटरी से थोड़ा सा अलग है, बाउंड्री साथ में टच नहीं है, लेकिन ये यूएसए का ही पार्ट है। एंड ऐसे ही हवाई आइलैंड है, वो काफ़ी दूर है। ये हवाई आइलैंड की लोकेशन है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है, यूएसए की ही स्टेट है, हवाई भी और अलास्का भी। क्लियर, यहाँ पे इस मैप में भी आप देख सकते हो, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हवाई आइलैंड की लोकेशन है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में ये लाई करता है। फाइन, सो यूएसए की बाकी सारी स्टेट्स आप पढ़ लेना। मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे यूएसए की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है, इसकी लोकेशन मैं बता देती हूँ, दिस इज वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे यूएसए की कैपिटल है। बाकी आप नोट्स में पढ़ लेना। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स जो है यूनिट 1 एंग्लो अमेरिका के आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके लिए जो मैप्स बनते हैं ना, मैप के स्टेंसिल का हमारा सेट होता है कंप्लीट बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो वहाँ पे बस आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड के साथ में, और आपको बताना है कि आपको मैप स्टेंसिल्स ऑर्डर करने हैं। प्राइस भी आपको वहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।